वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माई नेम इज़ जसदीप कौर, आई एम अ करियर काउंसलर, वेलबींग कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर। टूडेज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु रामदास जी इन राग सोरेट अंग 652 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। लेट्स रीड इट, अंडरस्टैंड सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महल्ला चौथा। अंतर ज्ञान पै मत मध्यम सतगुरु की प्रतीत नाही। अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपे खपाही। सतगुरु का पाणा चित ना आवे अपने सुवाय फिराही। कृपा करे जे आपणी ता नानक सबद समाही। विच मीन्स मनमुख दे मन विच अज्ञानता कारण अकल होची हुंदी है। उस तो सतगुरु उत्ते विश्वास नहीं हुंदा। उस दे मन विच धोखा होण करके वह सारे संसार विच भी धोखे का ही वर्तारा समझता है। ऐसा मनमुख आप भी दुखी हुंदा है अते होरना नू भी दुखी करदा रहिंदा है। मनमुख सतगुरु दा हुक्म चेते ना आउण करके पाणा नहीं मनदा ते अपनी खुद गर्जी पिछे भटकदा फिरदा है। हे नानक, पर जे प्रभु अपनी मेहर करे ता ऐसा मनमुख फिर भी गुरु उपदेश नाल जुड़ सकदा है। नाउ लेट्स रिलेट दिस विद आवर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इट टूडे। We all have past experiences. Now these past experiences, either they work for us or they work against us. Now how do they work for us? They work for us in a way that we can take them as learning experiences. Because when we take learning experiences, so now we will move a different direction. Asi koi different action lavange ताकि असी जिंदगी में जो भी अकम्पलिश करना चाहते हैं वो असी अकम्पलिश कर सकी है, क्योंकि असी अगर डिफरेंट एक्शन लवेंगे तो रिजल्ट्स भी डिफरेंट आएंगे। बिकॉज इफ यू कीप ऑन टेकिंग द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। सो वी कैन टेक देम एज लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टेक डिफरेंट एक्शंस सो दैट वी गेट डिफरेंट रिजल्ट्स एंड मे वी अकम्पलिश वट एवर वी वॉन्ट टू अचीव। Now, how do these past experiences work against us? They work against us in a way कि वो साड़ी जिंदगी विच कई बारी बैरियर बन जाते हैं। सानू समझ च नहीं आता, साड़ा फेथ परमात्मा उत्ते डगमगा जाता है। असी इन्नी सारी राइटियसनैस विच आ जाते हैं, उस राइटियसनैस नाल साड़े विच ईगो आ जाती है। एंड वी जस्ट कीप ऑन वैंडरिंग हेयर एंड देयर जस्ट लाइक बैंगिंग आवर हेड अगेंस्ट द वॉल। बिकॉज फेथ है नहीं, समझ आ नहीं रही कि हुन करना की है अगे, एंड इन्नी सारी ईगो है, इन्नी सारी राइटियसनेस है दैट वी आर नॉट एबल टू टेक सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। सो दिस इज द वे और एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस समटाइम्स दे वर्क अगेंस्ट अस। नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट टू डू? द की इज टू मूव फ्रॉम compulsive state of actions to conscious state of actions. Now what are compulsive state of actions? Compulsive state of action which कोई faith नहीं है और असी बस पटकते जा रहे हैं, असी दूसरे की support भी नहीं ले रहे, इन्नी सारी ego है, righteousness है, उस नाल असी आप भी परेशान हो रहे हैं तो असी दूसरे ने भी परेशान हो कर रहे हैं। It's beautifully mentioned in the हुक्मनामा। सतगुरु का पाणा चित ना आवे अपने सवाए फिराही। दैट द मैन कीप्स वेंडरिंग परस्यूइंग हिज ओन इंटरेस्ट, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे की। सो द की इज टू शिफ्ट फ्रॉम कंपल्सिव स्टेट ऑफ एक्शन टू कॉन्शियस स्टेट ऑफ एक्शन। हाउ दिस कैन बी डन? बाय पाठ पूजा, नितनेम, अपना एक रूटीन बनाना, एटलीस्ट उस रूटीन नू कंसिस्टेंटली फॉलो करना, मेडिटेशन, परमात्मा की भक्ति, उस नाल की है देयर बी अ शिफ्ट इन द बीइंग। व्हेन देयर बी अ शिफ्ट इन द बीइंग देन वी विल स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस कॉन्शियसली, वील बी प्रेजेंट टू द प्रेजेंट मोमेंट्स, और फिर असी अपने आप नू ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं कि असी जो कर रहे हैं, की कर रहे हैं ते क्यों कर रहे हैं।
So it's so very important to develop faith in the Almighty. So अज एक प्रैक्टिस करते हैं, तुसी अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज विच देखो, जिस विच वे यू आर टेकिंग सो मैनी कंपल्सिव एक्शंस, यू आर सो मच प्रोन टू योर हैबिट्स दैट यू कीप टेकिंग द कंपल्सिव एक्शंस, यू आर नॉट कॉन्शियसली प्रेजेंट टू दैम. तो अज इस शिफ्ट वास्ते एक एफर्ट करो, और उदी की है परमात्मा दा नाम एंड गुरबाणी नू पढ़ो, समझो ते उसनू इंप्लीमेंट करो. व्हेन यू स्टडी गुरबाणी एंड यू अंडरस्टैंड इट एंड देन इंप्लीमेंट इन योर लाइफ, दैट इज वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स. सो आज इस दी प्रैक्टिस करो एंड देन लेट मी नो व्हाट डिड यू फाइंड फॉर योर सेल्फ. टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. Why?